खैर लो गाइस, एक नया नोटिस आया सीईटी सेल से। दे लॉन्च अ यूजर मैनुअल फॉर एमबीए सीटी री एग्जामिनेशन 2023। इसके दो चीज़ें हैं, एक तो जिसको री एग्ज़ाम देना है उनके लिए क्या एडवाइस है वो एक दिया गया है। नंबर टू, इससे हमें एक पता चलता है कि किस किस का री एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि हमें तब अभी ये नहीं पता कि भाई कौन कौन बच्चा री एग्ज़ाम देने वाला है। ओके, तो इसके अंदर तीन सिनेरियो बन के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। वी विल गो थ्रू ऑल द थ्री सिनेरियोज एक एक करके। सो सिनेरियो नंबर वन, दोज़ हैव गॉट 180 मिनट्स का टाइम। अगेन, दोज़ हैव गॉट मतलब जो सीईटी सेल को लग रहा है जिनको मिला है, असली में किसको ज़्यादा मिला है कम मिला है दे आर नॉट वरीड अबाउट दैट, फाइन। इट्स अबाउट जिसको सीईटी सेल ने टेक्निकली पकड़ा है कि यार इनको रीटेक का मौका दिया, इनको रीटेक का उनका लिस्ट में नाम आया, तो दिस इज़ योर केस नंबर वन। उनके लिए आपका एडमिट कार्ड में ऐसा दिख रहा होगा, तो फटाफट आप लॉग इन करके चेक करो, आपके एडमिट कार्ड में नोट आ रहा होगा। अगेन, दे शुड हैव गिवन नोट आपके नाम से कि भाई मिस्टर सोएंसो आपको रीटेक का मौका दिया जा रहा है, बट नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्हें फिर भी वही जेनरिक स्टेटमेंट डाला है कि दोज हु हैव गॉट 180 मिनट उनका रीटेक हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके फॉर्म में ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब आप रीटेक में जाने वाले हो, ये मुझे लग रहा है ऐसा। अगेन, आई वी डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग, सो आई एम कॉलिंग इट सिनेरियो नंबर वन। लेट्स मूव टू सिनेरियो नंबर टू। अभी सिनेरियो नंबर टू में क्या रहा है कि दोज हु गॉट द टेक्निकल इशू, केस नंबर बी, जो टेक्निकल इशू है उनको ऐसा एक पॉपअप आएगा। अगर आपको ये पॉपअप आया है, इसका मतलब वो आपको रीटेक के लिए इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपको रीटेक देना है तो प्लीज़ यस दबाओ तीन बार, यस यस यस, ठीक है, दो बार तीन बार करके देन आपका सबमिट हो जाएगा। और आपको एडमिट कार्ड में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन करके जो आता है वहाँ पे ऐसा एक नोट दिखा जाएगा। तो अगर आपको ये नोट आ रहा है, इसका मतलब आप री एग्ज़ाम में जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, केस सिनेरियो, ठीक है, विल लेट कॉल इट सी नंबर केस, जिनको ये ऐसा आया है और उनको नहीं देना, तो आप नो दबाओ, ठीक है। नो दबाने के बाद आपको तीन बार कंफर्म करना पड़ेगा, सेकंड टाइम कंफर्मेशन, थर्ड टाइम कंफर्मेशन, तीन बार कंफर्म करके आपके एडमिट कार्ड पे ऐसा आ जाएगा लिखा कि भाई तुम्हें हमने तुम्हें रीटेक का मौका दिया था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम रीटेक नहीं देने वाले। सो वी कैन सेफली अज्यूम जिसके, सो आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म में जाके देखो कि आपको क्या लिखा रहा है। तो नाउ आई कैन अज्यूम, सेफली अज्यूम कि जिसको ये रेड सिग्नल दिख गया वहाँ पे अगर लिखा है कि रीटेक, तो आपको रीटेक देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका अर्लियर फॉर्म इज़ इनवैलिड, स्पेशली जिसको 180 मिनट दिए गए थे, वो हम अज्यूम कर सकते हैं जिसका लिस्ट में नाम आ गया उन्हीं का नाम है। बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स एंड लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ बच्चों को आज भी टिक मार्क करने को आया है कि भाई तुम टिक मार्क कर सकते हो, तो अभी गेम पूरा ओपन है। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर एडमिट कार्ड, अभी सीधा एडमिट कार्ड का वेट ही करना होगा। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट।